साल के अंतिम दिन कक्षा 10वीं की दो छात्राएं घर नहीं पहुंची थी। उनके परिजन चिंता में पड़ गए। मामला 4 दिन पुराना है। इस सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। आपको बता दें कि 31 दिसंबर की शाम देर तक जब दो बच्चियां घर नहीं पहुंची तो स्वाभाविक है घर वाले चिंता में पड़ गए और साथ ही सहेलियों से पूछा। उन्होंने बताया कि बच्चियाँ दो युवक के साथ उज्जैन के टावर चौक से गई हैं। परिजन थाना नानाखेड़ा पहुंचे और उन्होंने बालिकाओं के गुम होने और युवकों पर अपहरण संदेह जताकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर तलाशी शुरू कर दी है। हालांकि युवकों की पहचान कर ली गई है। कहा जा रहा है कि जल्द ही युवक और बच्चियां पुलिस के पास होंगे। एएसपी अमरेंद्र सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि दो नाबालिग बच्चियां आपस में दोस्त हैं, जो अन्य दो लड़कों के साथ गई हुई है। शीघ्र ही सबको बरामद किया जाएगा। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। दो बच्चियां गायब हुई थी, किस प्रकार से मामले को जांच में लिया गया है? थाना नानाखेड़ा के अंतर्गत दो पढ़ने वाली आपस में छात्राएं, सहेलियां भी हैं और पढ़ने भी साथ में जाती हैं। इनके कोई दो कॉमन फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में ये लोग गए थे और वो अभी घर नहीं लौटे। पुलिस ने इसमें कानूनी रूप से एक इसमें अपराधी पंजीबद्ध किया है, क्योंकि माइनर्स हैं और उनकी तलाश की जा रही है। जिसके साथ जो लड़के इनके दोस्त हैं उनकी पहचान कर ली गई है और उनके परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही उनको बरामद किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।